जी हाँ दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर एक ऐसा गंभीर आरोप लगा था जिसको सुन सभी के होश उड़ गए थे। यह आरोप लगाया था परवीन बावी ने। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देते हैं। परवीन बावी अपने दौर की बेहतरीन स्टाइलिश ग्लैमरस एक्ट्रेस रहीं, जिन्होंने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्में दी। बताते चले दोस्तों कि अमर अकबर एंथनी, शान, काला सोना, दीवार, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन बावजूद इसके इनकी विपरीत इनकी जिंदगी एक और पहलू था जो काफ़ी दर्द भरा था। सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही परवीन ने अपनी ज़िंदगी में वो समय भी देखा जब जिसे कोई जीना नहीं चाहेगा, यानी कि ये कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो जिंदगी इनका दुश्मन भी कोई जिए। परवीन बावी ने अपनी ज़िंदगी में स्टारडम को करीब से देखा, लेकिन एक खास तरह की मेंटेलिटी के हिसाब से उन्हें धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर कर दिया। एक समय तो ऐसा आया कि परवीन इंडस्ट्रीज में हर किसी को अपने खिलाफ महसूस करने लगी थी। उनके करीबी रहे महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुद कई राज्यों से पर्दा उठाया था। इसी के साथ ही दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि परवीन बावी ने अमिताभ जैसे अभिनेता पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें शक के दायरे में ला खड़ा कर दिया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन और परवीन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जैसे शान भी उनमें से एक थी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म का टाइटल ट्रैक फिल्माया जा रहा था, तब अचानक से परवीन ने सेट पर लगे झूमर के नीचे ये कहकर खड़े होने से इनकार कर दिया था कि अमिताभ बच्चन फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ मिलकर झूमर गिराकर उन्हें मारना चाहते हैं। यानी कि उनकी मेंटलिटी ही ऐसी हो गई थी कि वो हर किसी को अपना दुश्मन समझ रही थी। खुद पर लगे आरोप सुनकर अमिताभ ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड रह गई थी कि आखिर बोल क्या रही हैं। बताते चले दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में अभिनेत्री परवीन बावी के तीन रिलेशन रहे। सबसे पहले उनका नाम स्टाइलिश एक्टर डैनी से जुड़ा। दोनों पहली बार धुएं की लकीर फिल्म में नज़र आए थे और यहीं से दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और अलग हो गए। इसके बाद उनका रिलेशन बना कबीर बेदी से। दोनों ही आज़ाद ख्यालात के थे, इसलिए दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन ये रिश्ता भी दम तोड़ गया। तीसरी बार की बात करें तो दोस्तों, डैनी और कबीर बेदी के बाद परिवार परवीन बॉबी की ज़िंदगी में आए थे महेश भट्ट, जो 3 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे। उस वक्त तक परवीन मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी और कई मौके पर महेश भट्ट को ये महसूस भी हुआ, कई इससे उन्होंने शेयर भी किए। एक बार जब महेश भट्ट घर पहुँचे तो परवीन हाथ में चाकू लेकर उन्हें चुप रहने के लिए कह रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कमरे में कोई और है जो उन्हें मारना चाहता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। महेश भट्ट ये सब देखकर हैरान रह गए थे। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।